राम राम जी। और जी कैसे हो? सारे के सारे बहुत बढ़िया। घर पे रहो यार, सेफ रहो। और बस, और क्या बोलना है गाइस। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जैसा देखा था कि मॉर्टल, स्काउट और भी कुछ टिकटॉकर्स ने रिएक्शन दिया था टिकटॉक बैन के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई का निखिल के बारे में। मुंबई का निखिल ने कोहे के ऊपर, जैसे कि आप जानते हो, एक कोहे जैपनीज क्रिएटर का चैनल है और वो कोहे हैं, वो हिंदी भाषा में वीडियोस अपनी बनाते हैं भारत में। तो दोस्तों उनके ऊपर रिएक्शन देते हो क्या कुछ कहा, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही में दोस्तों भुवन बाम का एक नया सॉन्ग आने वाला है, उन्होंने क्या कहा है अपने सॉन्ग के बारे में कुछ बताया है, तो वो आप लोग जरूर देखना यार, सुनना। और डायनेमो गेमिंग ने फाइनली रिएक्ट किया है टिकटॉक बैन के ऊपर, और पबजी बैन होगा या नहीं होगा उसके ऊपर भी बताया उन्होंने क्या कुछ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखो यार। और हाँ, टिकटॉक बैन होने के बाद यार कुछ लोगों का रिएक्शन अभी तक नहीं आया, लाइक आमिर सिद्दीकी, या फिर बात करूं टीम 07 के कुछ मेंबर्स थे मिस्टर फैसू भैया और अदनान की, इनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। फाइनली अदनान ने एक तरह से बोल सकते हो कि इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक पोस्ट डाली है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सो गाइस ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हाँ गाइस, वीडियो को लाइक कर देना यार, 1000 लाइक्स, 1000 लाइक्स का टारगेट है। मुझे पता है आप बहुत प्यार और सपोर्ट करते हो यार, तो वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। और हाँ, देख क्या रहे हो यार, लाइक करो भैया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद चलिए यार वीडियो की तरफ चलते हैं। गाइस फर्स्ट न्यूज की बात करूँ गाइस, वो आ रही है पबजी मोबाइल की तरफ से। जैसे कि आप लोग पता है, इंडिया में पबजी मोबाइल के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लाइक डायनेमो गेमिंग की बात करूँ या मॉर्टल या स्काउट या फिर बंदूकबाज या गेम एक्स प्रो, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। मैक्सटन भी हैं भैया, मैक्सटन नाम नहीं लेना, भूल गया भैया, माफ करना। सो गाइस बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और उन सभी को मिल चुका है पबजी मोबाइल पार्टनर का एक टैग होता है, टाइटल होता है, वो मिल चुका है। और ऑफिशियली पबजी मोबाइल के पार्टनर आप बोल सकते हो। आप में से कौन कौन क्रिएटर है और आप लोगों को मिला है या नहीं मिला है वो टाइटल, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज की बात करूं गाइस, वो आ रही है भुवन बाम की तरफ से। बीबी की वाइंस का एक नया सॉन्ग आने वाला है, और बता रहे उन्होंने कहा है कुछ इस तरीके से कि वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, लाइक उनकी लाइफ, मतलब क्या बताया जब, बहुत अल्टीमेट सॉन्ग है। उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक एक आपको सारा कुछ बताया, तो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। तो इस पूरे साल का मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग महीना जुलाई होने वाला है, क्योंकि एक कॉमेडी एपिसोड आने वाला है मेरे चैनल पे और एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है। इस पूरे साल में अभी तक कोई ऐसा महीना नहीं रहा जब दिल से ऐसा लगाओ कि उफ मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, क्योंकि इतनी बुरी खबरें हो रही हैं आसपास, इतना सब कुछ हो रहा है। बट जुलाई आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मंथ, क्योंकि इसमें धमाकेदार एक कॉमेडी एपिसोड है, और फॉलोड बाय दैट देर इज अ म्यूजिक वीडियो, एक म्यूजिक, आई कांट टेल यू मोर अबाउट इट, बट इट्स वेरी स्पेशल, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और आई एम वेटिंग फॉर जुलाई। क्या कहते हो, कर दें? गाइस नेक्स्ट न्यूज की बात करूं गाइस, वो आ रही है टिकटॉक की तरफ से। जैसे कि आप लोगों को पता है टिकटॉक बैन हो चुका है, उसके बाद आफ्टर ऑल बहुत सारे क्रिएटर्स ने, जो थे टिकटॉक क्रिएटर्स, टिकटॉकर्स बोल सकते हो, उन्होंने रिएक्शन दिया। बट स्पेशली मिस्टर फैसू भैया और आपने अदनान और इंक्लूडेड वो क्या बोलते हैं आमिर सद्दीकी भैया, तो इन सभी ने, किसी ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया था इसके ऊपर। और फाइनली अदनान 07 ने बोल सकते हो कि हाँ अरे खुल जा, तो इनडायरेक्टली वे में उन्होंने रिएक्ट कर दिया है। तो जैसा कि उन्होंने इंस्टा पे अपनी एक पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा है हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, इफ वन डोर इज क्लोज अल्लाह ओपन्स 10 more doors। वाह भाई वाह, बात तो बहुत सही लिखी आपने भैया, बाकी क्या करें, ठीक है। खैर ये रही भैया की बात अदनान भाई की, कि इनका कहने का मतलब क्या था आप समझ ही गए होंगे, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की साइड गाइस। तो गाइस नेक्स्ट स्टोरी की बात करूं गाइस, वो आ रही है मुंबई का निखिल की तरफ से। मुंबई का निखिल को आप तो जानते होंगे, मुंबई का निखिल ने जो कोहे चैनल है आप जानते हो, और जो मतलब जापान में रहते हैं भाई, वो कोहे भाई अपने, और भारत की भाषा में वो वीडियोस बनाते हैं कोहे भाई, तो उनके ऊपर रिएक्शन देते हुए क्या कुछ कहा आप इस क्लिप में देख सकते हो। अरे भाई साहब, ये जापानीज तो मेरे से अच्छी हिंदी बोलता है। क्या बात है, सिर्फ हिंदी नहीं भाई, इसको तो नॉलेज भी बहुत अच्छा खासा है। और संस्कृति को बचाने के लिए काफी अच्छा फैसला है, लग रहा है कि भारत में बहुत हिम्मत है और आत्मविश्वास भी है। दिस इज व्हाट पीपल थिंक अबाउट इंडिया नाउ। सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी रियली बताऊं ना, एक बार सच कहना चाहता हूँ तुमसे, कोहे की वीडियो यार बहुत अच्छी लगती है यार। मतलब जो होता है ना कि हिंदी एक्चुअल में जो बोली जाती है, हम लोग हैं कुछ गलत बोल भी देते हैं कभी कदार, हैं हिंदी भी प्रॉपर तरीके से नहीं बोलते, बट आप कोहे की वीडियो की देखोगे ना तो यार आपको पता चल जाएगा, लिटरली एक एक वर्ड होता है ना
बिल्कुल शुद्ध हिंदी वाला, तो भाई सैल्यूट है यार, ठीक है। क्योंकि दूसरी कंट्री का बंदे यहाँ के हिंदी सीख के उसमें वीडियो बना यार, बहुत डिफिकल्टी होती है यार, मानते हैं बहुत सारी डिफिकल्टी होती है। सो गाइस नेक्स्ट न्यूज की साइड बढ़े, वो आ रही डायनेमो गेमिंग की तरफ से। डायनेमो गेमिंग ने फाइनली रिएक्ट करते हुए टिकटॉक बैन के ऊपर और पबजी बैन को लेकर क्या कहा, आप इस क्लिप में देख सकते हैं। मैं आता हूँ एक मिनट। टिकटॉक बैन हो गया यार, पबजी बैन होगा क्या? नहीं होगा ब्रो, 59 ऐप्स लिस्ट में पबजी का नाम था ही नहीं, टिकटॉक का बैन था। तो टिकटॉक सबसे पहला नाम था, वो भी टिकटॉक का सबसे पहला नाम। मतलब सोच समझते कि कितना लोग कितना ये ट्राई कर रहे थे टिकटॉक के लिए। देखते कुछ ना कुछ तो पता नहीं होगा, मे बी टिकटॉक वाले ऐसे शांत नहीं बैठेंगे आएगा, कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, कि मैंने शायद कल या परसों ही मैंने टिकटॉक इंडिया का एक वो ट्वीट भी देखा था, कुछ तो कह रहे थे हम लोग ये करते हैं, हम लोग वो करते हैं। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आज की वीडियो कुछ यही थी। और हाँ, वीडियो में आपको क्या कुछ पसंद आया, जो भी आपके क्वेश्चंस हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, बहुत सारे लोग न्यूज देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी न्यूज हो समझ गए मुझे इंस्टाग्राम पे पहुंचा सकते हो आप, कंपलसरी नहीं कि हाँ पहुंचानी है भाई, पहुंचानी ऐसा नहीं है, मन हो आपका तो पहुंचा सकते हो, बाकी आपकी कोई बात नहीं, इच्छा है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या था, कुछ नहीं यार। सो गाइस आज की वीडियो में कुछ इतना ही, राम राम जी।